last night, a patrol car found it. And the labyrinth finished all the mazes. हेलो गाइस, मैं हूं आपको दोस्त निखिल। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैं एक जबरदस्त इटालियन थ्रिलर मूवी इनटू द लेबरिनेथ एक्सप्लेन करूंगा, जो थोड़ी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए इस बार सीधे शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से। मूवी की शुरुआत किसी अननोन टीनेजर से होती है, जो मेकअप सुधारने के बहाने से किसी अननोन वैन के मिरर का सहारा लेती है। पर उसे क्या खबर कि ये उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, क्योंकि कुछ देर बाद ईवल आय नजर आते ही उसे कोई वैन में खींच लेता है और मूवी का सीन सीधे किसी अननोन मरीज की तरफ मुड़ जाती है, जो खुद को किसी अनजान रूम में पाती है, जहां कोई अननोन एंटर करने पर उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो उसे बार बार सवाल करती कि क्या उसे अपना नाम याद है, पर उसे कुछ भी याद नहीं रहता। और वो अजीब ही सवाल करती कि क्या ये एक गेम है। वो अननोन इंसान भी एकदम क्लूलेस कि ये कैसा सवाल था, इसलिए अपना परिचय देकर डॉक्टर ग्रीन सब क्लियर करता है कि उसका नाम समांथा एंड्रेटी है, जिसे 15 साल पहले अगवा कर लिया गया था। यानी कि शुरुआत में दिखाई टीनेजर ये वो खुद है। इसका मतलब कि 15 साल से वो किडनैपर के कैद में थी और पिछले ही रात एक पेट्रोलिंग ऑफिसर ने उसे खोज निकाला और अभी वो सेंट कैथरीन हॉस्पिटल में सही सलामत है। पर उसके मेडिकल टेस्ट के अनुसार उसके शरीर में काफी मात्रा में सेडेटिव ड्रग पाया गया, जिसके कारण उसे कुछ याद नहीं है। शायद किडनैपर नहीं चाहता था कि उसे कुछ याद रहे, पर डॉक्टर ने उसके वेन्स में एंटीडोट इंजेक्ट किया है ताकि उसकी याददाश्त लौट सके। पर इसे असर करने में लंबा समय लगेगा, जो उनके पास इतना समय नहीं है, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द किडनैपर का पता लगाना होगा इससे पहले कि और कोई शिकार बने। इसीलिए बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, वो उसकी मदद करेगा सब याद करने में, क्योंकि किडनैपर फिजिकली तो बच सकता है पर इंसान की मेमोरी से नहीं। और ये पूरा सेशन ऑफिसर्स के निगरानी में की जा रही है, जो उसे मिरर के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हैं। पर समांथा एकदम कंफ्यूज्ड, उसे अब भी ये सब एक गेम लग रहा होता है, क्योंकि वो अपने कमजोर याददाश्त से शेयर करती है कि उसे किसी अननोन मेज में कैद रखा गया था, जहां मिरर्स तक नहीं थे। इसीलिए उसे कभी पता तक नहीं चला कि 15 साल बीत गए। और सीन कट होकर जेनको की तरफ मुड़ जाती है, जो अपनी जान लेने पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर से उसे बुरी खबर मिली होती है कि हार्ट इन्फेक्शन के कारण उसकी जान कभी भी जा सकती है। वो खुद को शूट करने ही वाला होता है कि उसकी नजर टीवी न्यूज पर पड़ती है कि समांथा की तलाश हो गई है, पर ये अब भी पुष्टि नहीं हुई कि 15 साल बाद वो कैसे दिखाई देती है या किस स्टेट में अभी है। जेनको अब भगवान से प्रे करने लगता है उसे कुछ और दिन जीने की शक्ति देने के लिए, क्योंकि 15 साल पहले समांथा के पेरेंट्स उसके पास आए थे उनकी मिसिंग बेटी का पता लगाने के लिए। वो दरअसल एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, जो पैसे खाकर भागे वे लोगों को खोज निकालने में माहिर है, पर उस समय उसने समांथा के कॉन्ट्रैक्ट को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो ऐसे केस हैंडल नहीं करता। पर अपने मरने के आखिरी समय में उसके मन में कुछ अच्छा करने की इच्छा जागती है, कम से कम उसके किडनैपर का पता लगाने में, और तुरंत अपने साथी और गर्लफ्रेंड लिंडा से मिलता है, क्योंकि उसने उससे समांथा के बारे में सारे डिटेल पता लगाने का टास्क दिया था, सिंस वो कोई भी जानकारी पता लगाने में एक्सपर्ट है। वो बताती है कि किसी अननोन ने समांथा के लोकेशन का टिप दिया था और अब एक प्रोफाइलर डॉक्टर ग्रीन समांथा के दिमाग में घुसकर किडनैपर के बारे में पता करने की कोशिश में है। और सीन फिर से समांथा की तरफ मुड़ जाती है। डॉक्टर ग्रीन उसे याद करने में मदद करता है और समांथा धीरे धीरे याद करने लगती है कि वो जहां कैद थी वो बिल्कुल सुनसान और भूतिया, वहां कई लॉक दरवाजे और वो जगह कभी ना खत्म होने वाला भूल भुलैया था, जिसकी दीवार रंग बदलते हैं। वो जितना भी चिल्लाती कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, इसलिए धीरे धीरे भूख के मारे उसकी जान निकलने लगी। पर एक समय उसके सामने एक रूबिक क्यूब दिखाई दिया, जिसे सॉल्व करने पर वो जो भी इच्छा करती थी वो उसके सामने प्रकट हो जाता था, जैसे फूड, बेड और अन्य सामान। पर धीरे धीरे क्यूब मुश्किल होता गया और अब वो प्यास के मारे तड़पने लगी। कई दिन बिना पानी के उसका शरीर जैसे उसे अंदर ही अंदर नोचने लगा। अंत में वो तड़प को बर्दाश्त नहीं कर सकी और मजबूरी में कमोड़ का पानी उसे निकलना पड़ा। पर ये करते ही उसे खुद से घिन आने लगी और गुस्से में क्यूब को फेंक दिया, पर उसका लक कि क्यूब सॉल्व हो गया और एक पानी का बॉटल उसके सामने प्रकट हो गया। यहाँ जिनको समांथा के टिपर को ट्रैक डाउन करने में सफल हो जाता है, जो धमकी देने पर सब उगलने लगता है कि समांथा उसे कमजोर हालत में मिली थी, जहां उसके अलावा और कोई मौजूद था। वो रोंटे खड़े करने वाला जानकारी क्लेम करता है कि वो दूसरा
कोई इंसान नहीं बल्कि चमकती आंखों वाला रैबिट था। जेनको को लगता है कि ये सटिया गया है, पर उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। वहीं ऑफिसर स्टीपर्स की तलाश में अड्डे पर छापा मारते, पर फिर कुछ अजीब ही होता है और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है, जैसे सब कुछ पीछे मुड़ गया। इससे पहले कि जेनको सारी जानकारी निकाले, ऑफिसर्स की गाड़ी देखते ही वो तुरंत निकलना ही सही समझता है और इस जानकारी के बेसिस पर वो सीधे मिसिंग पर्संस ब्यूरो डिपार्टमेंट विजिट करता है, जहां उसकी मुलाकात साइमन से होती है जो अपने एक कलीग के साथ इस डिपार्टमेंट में काम करती है, जो खुद भी समांथा के क्रिमिनल जैसे लोगों को हंट करती है, पर वो अपने केस में बिजी होने के कारण अब वो अकेला ऑफिस संभाल रहा है। यहाँ दरअसल सारे मिसिंग बच्चों के आखिरी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। जेनको बिना टाइम वेस्ट किए उससे सवाल करता है कि बाय चांस कहीं उनके यहाँ कोई ऐसा रिपोर्ट दर्ज हुआ जो किसी के मिसिंग या रैबिट से रिलेटेड हो। साइमन को तुरंत एक माइनर रॉबिन बैसो का केस याद आता है, जिसे 10 साल की उम्र में ही किसी ने अगवा कर लिया था, पर 3 दिन के बाद उसकी तलाश होने पर उसे कुछ भी याद नहीं रहा और उसके बाद उसमें पूरी तरह से बदलाव आ गया, जिसके कारण उसके पेरेंट्स ने भी उसका त्याग करके किसी फार्म हाउस लोकेशन के पागलखाने भेज दिया। उसका केस इसलिए रैबिट से रिलेटेड है क्योंकि एक समय फार्म हाउस के पीछे उसे रैबिट्स को जिंदा गाड़ते हुए देखा गया। अब ये जानते ही जेनको तुरंत फार्म हाउस के लिए निकल पड़ता है, जो अब देखने में डरावनी किसी शमशान घाट से कम नजर नहीं आता। फार्म हाउस की रखवाली करने वाली बुजुर्ग से उसे एक रोंगटे खड़े करने वाली जानकारी का पता चलता है कि यहाँ आने वाले सारे बच्चे स्पेशल हुआ करते थे, जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ द डार्क कहा जाता है, क्योंकि उन सभी को अगवा करने के बाद किसी अंडरग्राउंड केव में जिंदा कैद रखा गया और एक बार डार्क से निकलने के बाद वो सेम नहीं रहते थे। रॉबिन भी डार्क से इन्फेक्ट होने के बाद उसके पेरेंट्स भी उससे डर कर उसे यहाँ छोड़ गए। वो स्वभाव में एकदम शाय जरूर था, पर फिर वो एक दिन रैबिट्स के खून खराबे में पाया गया और तब से उसका नाम बनी पड़ गया। वो उसे बेसमेंट चलने को कहती है, जहां उनके पास कुछ खास जानकारी है दिखाने के लिए, पर जेनको को फिर से कुछ अजीब ही विजन्स नजर आते हैं। आखिर ये विजन्स क्या है हमें आगे समझेगा। वो जेनको को रॉबिन का एक खास कॉमिक दिखाती है, जिस पर रैबिट के चित्र पर खास करके उस पर कोई ऑथर या पब्लिशर का टैग नहीं होता, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ सके वो बुजुर्ग उसे किसी कारण से नॉकआउट करके बेहोश कर देती है। होश आने पर उसे पता चलता है कि वो रॉबिन को जानती है, क्योंकि वो बुजुर्ग को रॉबिन से बात करते सुन सकता है। पर जब बुजुर्ग रॉबिन से सवाल करती कि आखिर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर उसके पीछे क्यों है, तब वो किसी कारण से उनकी जान ले लेता है और अब वो जेनको की तरफ बढ़ने लगता है। जेनको कैसे तो उसे चकमा देकर भाग निकलता है, पर इस हड़बड़ी में वो अपने पार्टनर लिंडा का फोन वहीं भूल जाता है जो वो अपने साथ कैरी कर रहा था, और भागते समय बनी उसका शक्ल भी देख लेता है। सीन अब समांथा की तरफ लौट जाती है, जो ये सोचकर टूट जाती कि उसके पेरेंट्स ने भी उससे मिलने की कोशिश नहीं की, पर तभी डॉक्टर ग्रीन के मग पर बने प्रिंट को देखने के बाद उसे चमकता है कि मेज में उसके अलावा भी एक और लड़की थी जो उस किसी रूम में कैद मदद के लिए गिड़गिड़ा रही थी। समांथा के लिए वो अनुभव इतना डीप था कि उसके एक्सप्लेन करते वक्त भी वो उसे महसूस कर सकती है, जैसे वो घटना उसके सामने फिर से घट रही हो। डोर पर लिखे कोड से वो डोर को अनलॉक करने में सफल हो जाती है और उसके सामने कोई अननोन लड़की डरी और सेमी सी रो रही होती है। समांथा उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर वो उस पर ही जानलेवा हमला करने पड़ती है, क्योंकि उसकी गेम के अनुसार रिहा होने के लिए उसे समांथा को मारना था, पर लकीली समांथा मरते मरते बच जाती है और वो अननोन लड़की चीखती चिल्लाती रह जाती है। पर जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी चीख धीरे धीरे थमने लगी, क्योंकि बिना खाने पीने के शायद उसका दम निकल गया। अब जेनको तुरंत अपने फाइंडिंग्स ऑफिसर से शेयर करता है और फार्म हाउस पर छापा मारने का रिक्वेस्ट करता है, पर ऑफिसर्स उसके बनी की कहानी को सीरियसली नहीं लेते। वहीं वो उसे याद दिलाते कि जब भी कोई माइनर इस तरह की घटना से गुजरने के बाद उनके माता पिता जब उनका बहिष्कार कर देते हैं तो सरकार उनके लिए नया आइडेंटिटी क्रिएट करती है उन्हें रिकवर करने के लिए। इसीलिए रॉबिन जो आज एडल्ट होगा उसका तलाश करना नामुमकिन के बराबर है। पर सबसे भयानक थ्योरी ऑफिसर उससे शेयर करता है, जो उसे डॉक्टर ग्रीन ने बताया होता है कि जिसने भी रॉबिन या समांथा जैसे लोगों को अगवा किया था वो मेंटली सैडिस्टिक होते हैं। ये वो लोग हैं जो शिकार को दर्द में देखना पसंद करते हैं और अंत में उन्हें टॉर्चर करके इतनी बुरी तरह से तोड़ देते हैं कि वो अंत में शिकार को उन्हें ही पसंद करने पर मजबूर कर देते हैं। जेनको को भी लगने लगता है कि शायद ऑफिसर सही है, इसलिए हार मानकर कॉमिक वहीं डम कर देता है। पर तभी उसकी साइमन के साथ की लड़की पर नजर पड़ती है, जब साइमन की ऑफिसर्स के साथ झड़प हो जाती है क्योंकि उसके कलीग को गायब हुए एक दिन हो गए और वहीं वो ढूंढने में आलसीपन दिखा रहे हैं। उस बच्ची को देख उनमें जैसे फिर से आशा की किरण जागती है, इसलिए वो कॉमिक तुरंत उठा लेते हैं।
पर तब तक अचानक से ही वो बच्ची गायब हो जाती है और अब कोई नया क्लू ना होने के कारण वो उस कॉमिक को एक स्पेशलिस्ट को दिखाता है जो उसे देखते ही जैसे वहीं सुन्न पड़ जाता है क्योंकि वो बताता है कि ये कॉमिक सिर्फ मिथ में माना जाता था। ये दरअसल एपोक्रिफल टेक्स्ट है, एक ऐसा लेख जिसकी ऑथेंटिकिटी का कोई सबूत नहीं है पर फिर भी आज भी उसे वाइडली सच माना जाता है। इसके चित्र के पीछे दरअसल स्पेक्युलर नैरेटिव छिपा है जिसे मिरर से ही देखा जा सकता है। इसे इस तरह इसलिए लिखा गया क्योंकि इसमें भगवान के लिए की श्रद्धा पर सवाल उठाया गया है। वो तुरंत उसे इससे पीछा छुड़ाने का सुझाव देता है पर जेन को नहीं मानता और उसे इसका भुगतान लिंडा के जान से करना पड़ता है क्योंकि फोन की मदद से बनी लिंडा तक पहुंच जाता है और उसे डराने के लिए लिंडा की बेदर्दी से जान ले लेता है। पर इससे पहले कि जेन को सदमे में आंसू बहाए उसे कॉर्नर में छिपा घायल बनी मिलता है पर बाद में पता चलता है कि उसका नाम पीटर, वो खुद भी बनी का शिकार है क्योंकि बनी ने उसके फैमिली को बंदी बनाकर उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। और सीन फिर से डॉक्टर ग्रीन की तरफ मुड़ जाती है। वो पता नहीं क्यों पर अजीब ही उससे सवाल करते हैं कि उसका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट वहाँ क्या था क्योंकि एक साधारण इंसान का 15 साल तक टॉर्चर सहना मुमकिन ही नहीं है। कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण वो अब तक सर्वाइव कर पाई, जरूर ऐसा कुछ है जो उसे याद नहीं या तो वो उससे छिपा रही है। समांथा को समझ नहीं आता कि आखिर वो उसकी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा पर डॉक्टर ग्रीन का कुछ और जोर देने पर और समांथा की उसकी स्क्वीज बॉल पर नजर अटक जाने पर उसे अब फाइनली कुछ याद आता है कि एक पल उसे अपने बेड पर एक कैट मिली जो उसका एकमात्र हैप्पीएस्ट मोमेंट था। पर डॉक्टर ग्रीन अब भी कन्विंस नहीं होता कि आखिर किडनैपर उसे कैट क्यों देगा। वो फिर से उसके मेमोरी को चैलेंज करता है कि क्या उसे याद है कि वो कैट ही था। अब समांथा को और गुस्सा आने लगता है कि आखिर वो ऐसे कैसे इतना श्योर हो सकता है। फिर तभी डॉक्टर ग्रीन उसके स्टमक की तरफ पॉइंट करता है और अपने स्टमक पर सी सेक्शन ऑपरेशन मार्क देखने के बाद अब उसे चमकता है कि वो कैट नहीं बल्कि एक बच्चा था जो उसका ही हो सकता है क्योंकि उसके पेट पर वो मार्क बना है। डॉक्टर ग्रीन उसे बताते हैं कि इसीलिए किडनैपर ने उसे सेडेटिव ड्रग दिया उसके मेमोरी को मैनिपुलेट करने के लिए। पर सबसे बड़ा सवाल कि ये कैसे हो सकता है और उसके बच्चे का क्या हुआ। पर फिल्म फिर से क्राइम सीन की तरफ मुड़ जाती है जहां जेन को ऑफिसर से सब शेयर करता है और सभी तुरंत पीटर के फैमिली को बचाने के लिए उसके घर भागते हैं पर लकीली उसने सिर्फ तीनों को बेहोश किया था। जेन को उनसे उनके गार्डनर के बारे में सवाल करता है क्योंकि पीटर के एविडेंस के अनुसार उसी ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। और हैरानी की बात ये कि उन्हें उसका नाम तक याद नहीं क्योंकि पीटर उसे हैंडल करता था और उन्होंने उसे दया करके हायर किया था क्योंकि उसके चेहरे पर बड़ा बर्थमार्क है पर उनकी बेटियां उसे पसंद करते थे। जेन को उनसे कंफर्म करता है कि क्या वो गार्डनर ही था, जिस पर वो एकदम डरी और सेमी में जवाब देती कि वो गार्डनर नहीं बल्कि बनी था। इसी दौरान उसकी एक डॉटर जेन को से एस गुडविल के लिए एक ड्रॉइंग शेयर करती है पर इस ड्रॉइंग के पीछे भी एक बड़ा मिस्ट्री है जो हमें एंड में पता चलेगा। अब गार्डनर का स्केच तैयार करने के बाद फाइनली सबसे बड़ा क्लू उनके हाथ लगता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। इसलिए अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। एक्सप्लेनेशन एंड करने से पहले प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट दोस्तों से शेयर और चैनल को सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन पर।